अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। इस वीडियो को गौर से सुने। जी हाँ, बंदा जिन कानों से अजान सुनता है वो उन कानों से म्यूज़िक कैसे सुन सकता है? बंदा जिस ज़ुबान से कुरान करीम पढ़ता है वो उस ज़ुबान से गाली झूठ कैसे बोल सकता है? और जो ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, बंदा उसको किसी इंसान के लिए कैसे फना कर सकता है? बंदा जिस दिन दुनिया में इम्तिहान व आजमाइश के लिए भेजा गया, वो उसकी रगबत में उस जन्नत को कैसे भूल सकता है जहां उसे हमेशा हमेशा रहना है? बंदा जिस लबों से आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, वो उन लबों से किसी को मनहूस कैसे कह सकता है? बंदा फ़ानी दुनिया की दौलत कमाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कैसे कर सकता है? बंदा जिस ज़िंदगी को तकवा से गुजारने की कसम उठाता है, वो उस ज़िंदगी में बिद्दत को कैसे इख्तियार कर सकता है? बंदा जिन कदमों से मस्जिद जाता है, वो उन कदमों से मैखाने यानी शराबगाह कैसे जा सकता है? बंदा जिन आँखों से अल्लाह का घर कबातुल्ला देखने की ख्वाहिश करता है, वो उन आँखों से हराम कैसे कर सकता है? बंदा जिन हाथों से सदका करता है, वो उन हाथों से चोरी जिना कैसे कर सकता है? बंदे का दिल जो सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत के लिए बना है, उसमें गैरुल्लाह की मोहब्बत कैसे हो सकती है? उस दिल में नफ़रत को कैसे पनाह मिल सकती है? सवाल करिए अपने दिल से कि हम किस राह पर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी हमारे ख्वाहिश के मुताबिक कर दे, लेकिन हम खुद अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक क्यों नहीं चलते? गौर फरमाइए और गुनाह से बचने की, नेकी के तरफ टूटने की फिक्र करें। दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए अमल जमा करें। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।